हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इंटरजेक्शंस। उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें इंटरजेक्शंस लिखे हुए हैं, तो हमें उन इंटरजेक्शंस को सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में अलास माय कैट इज डेड, तो यहाँ पर क्या इंटरजेक्शन है? अलास। नेक्स्ट सेंटेंस में हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो हुर्रे इसमें इंटरजेक्शन है। ओह Here is a lion, इसमें ओ इंटरजेक्शन है। ब्रावो यू वन द ट्रॉफी, यहाँ पर ब्रावो इंटरजेक्शन है। तो अब यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस पढ़ते हैं। ब्रावो यू वन द ट्रॉफी, अलास शी लॉस्ट हर डॉग, वाओ यू लुक ब्यूटिफुल। तो बच्चों ये जो वर्ड है ब्रावो, अलास, वाओ, इनसे क्या होता है? किसी चीज की बहुत ज्यादा खुशी, किसी का दुख, किसी अमेजमेंट को ये बताते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं, और इनके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो बच्चों इंटरजेक्शन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, कुछ अचानक वाली फीलिंग एकदम से जो होती है वो अचानक से, कोई खुशी हो सकती है, कोई दुख हो सकता है, या कोई एकदम अमेजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, तब हम इस एक्सक्लेमेशन वर्ड को यूज करते हैं और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। इंटरजेक्शन एंड इट्स यूज, कब कौन सा इंटरजेक्शन यूज करना चाहिए उसके बारे में समझते हैं। हुश, हुश कब यूज करते हैं? इंडिकेशन टू समवन टू बी क्वाइट, जब हमें किसी को चुप करना होता है तब हम उसको दिखाने के लिए कि चुप होना है हम हुश यूज करते हैं। हेलो हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी को ग्रीट करना हो, कुछ विश करना हो। हुरे जब हमें खुशी का इजहार करना होता है। वाओ अमेजिंग कोई होता है एक्सपीरियंस, अमेजमेंट के लिए यूज करते हैं। ब्रावो किसी अचीवमेंट का इंडिकेशन है। अलास कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सैडनेस की बात होती है तब हम यूज करते हैं। ओ जो है वो किसी सैडनेस या रिग्रेट को बताता है। तो आइए अब इससे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पर कुछ इंटरजेक्शंस लिखे हुए हैं जिन्हें हमें सेंटेंस में लिख करके कंप्लीट करना है। जैसे आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, तो हम क्या लिखेंगे? आउच आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। यू हर्ट योर लेग, तो हम क्या लिखेंगे? आउच यू हर्ट योर लेग। ब्रावो वी वन द मैच, आई एम लॉस्ट, इसमें क्या लिखेंगे? अलास आई एम लॉस्ट। अब यहाँ क्या लिखेंगे? ओ गॉड देयर इज ए लायन, हा यू आर किडिंग, यू डिड इट, हुर्रे यू डिड इट, और ओ गॉड इस तरह से आई गॉट ट्रॉफी, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कोई अमेजमेंट वाली फीलिंग, हुर्रे आई गॉट ट्रॉफी। इस तरह से हम इन इंटरजेक्शंस को यूज कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें कुछ इंटरजेक्शन लिखी हुई है नेक्स्ट एक्टिविटी में, उससे हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं। जैसे ब्रावो, ब्रावो कब यूज करते हैं? ब्रावो वी वॉन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया, कोई खुशी की बात होती है। खुश प्लीज कीप साइलेंट, हेल्प प्लीज हेल्प मी, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, अलास शी लॉस्ट हर डॉग, हुरे वी हैव रीच्ड देयर, ओ गॉड इट इज वेरी प्लीजेंट। आह इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस यूज करके यहाँ पर उसके इंटरजेक्शन से रिलेटेड इनको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।